छठ महापर्व के बाद उसरी नदी के तट पर सफाई अभियान चलाकर उसरी बचाओ अभियान ने एक बेहतर शुरुआत की है। शनिवार को अभियान के सदस्य पूरे साजो सामान के साथ उसरी नदी के किनारे विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचे और घंटों तक सफाई अभियान चलाया। बात भी जोर शोर से लगने से हम इस सफाई अभियान की अगुवाई कर रहे प्रभाकर, राजेश सिन्हा, रितेश सराक और रामजी यादव ने कहा कि उसरी नदी गिरिडीह की लाइफलाइन है। बालू के अवैध उठाव, नदी तट के अतिक्रमण और प्रदूषण की वजह से नदी का अस्तित्व खतरे में है। इस अभियान का उद्देश्य उसरी नदी का संवर्धन और संरक्षण करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए आने वाले समय में कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें नदी में छिलका डैम का निर्माण, नदी के किनारे कई किलोमीटर तक वृक्षारोपण, नदी में गिरने वाले गंदे पानी को फिल्टर करने की व्यवस्था सहित अन्य कई योजनाएं हैं जिन्हें धरातल पर उतारना उसरी बचाओ अभियान की प्राथमिकता। क्या साल के 12 महीने में 4 महीना बरसात को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या 7-8 महीना ये घाट ऐसा सुंदर नहीं दिख सकता है? ये प्रयास होनी चाहिए और इस प्रयास के तौर पर आज हम लोगों ने एक दुमुहा प्रयास शुरू किया है। कुछ चंद लोग हमारे कुछ लोग हैं, कुछ मित्र हैं, वो मिलकर हम लोग आए हैं कि जो छठ घाटों पर गंदगियां फैली है पूजा के बाद उसको साफ कर दिया जाए ताकि वो लगे कुछ दिन फिर और ये एक तरह से मानिए जागरूकता अभियान होगा कि लोगों के मन में लगे कि वो भी गंदगी ना फैलाएं, उसरी को साफ रखें। जो प्रकृति प्रदत्त, तो प्रकृति तो स्वतः साफ कर लेती है, लेकिन जो मैनमेड कुछ गार्बेज है उसका निष्पादन नदियों में ना हो। और जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सांकेतिक रूप से साफ कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, मैसेज जाएगा। और चूँकि जो जल स्रोत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि जो उसरी नदी हमारे आसपास में है, शहर के बीचों बीच में है, हर एक व्यक्तियों से इस अभियान में जुड़ने की हम अपील करते हैं। और हर एक घाट में कम से कम 150 पेड़ लगे, जैसे अमित बर्दियार घाट और अभी बनखंजों में हम लोग प्रयास किए हैं, लगभग 100 के लगभग में पेड़ लगा है। आप अपने एरिया में लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैनर चाहिए, आप अपना जो पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत में जुड़कर भी काम कर सकते हैं। तमाम लोग उसरी बचाओ अभियान के, चाहे कोर कमेटी के हो, सलाहकार के हो, चाहे आम और खास सदस्य हो, सभी को हम धन्यवाद देते हैं, पूरे गिरिडीह को धन्यवाद देते हैं। शास्त्री नगर छठ घाट पे अभी हैं यहाँ पे, और शास्त्री नगर छठ घाट ही नहीं, हम लोग तमाम ऐसे छठ घाटों को साफ सफाई में रहेंगे जो उसी नदी के तट पे, जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा भी कचरा हुआ है, गंदगी है, जो छठ के बाद मतलब कुछ अवशेष बच गया है, तो हम लोग प्रयास करें कि उसी नदी के जो तमाम हमारे टीम है, उसी बचाओ अभियान की टीम है, उन लोग सब मिलके एक संदेश देने का प्रयास करें कि हर साल हम लोग क्यों ना छठ कोई भी पर्व त्यौहार हो नदी से जिससे रिलेटेड हो, उसी नदी के तट पे होता हो, तो उसमें हम लोग साफ सफाई संबंधित हो, चाहे वो साफ सफाई हो। देख लीजिए, नगर निगम तो टीम काम करती है, साफ सुथरा करती है, लेकिन इनका अपना पहल रहता है कि सब घाट मान लीजिए जो गंदा हुआ वो अपने ही मिल के अपना टीम के साथ अपने सामने, किसी का ही नहीं दबाव नहीं है, लेकिन अपनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े इसमें, ये अच्छा पहल है। सफाई अभियान शास्त्री नगर घाट से शुरू हुआ, उसके बाद ये टीम अर्घा घाट पहुंची। अर्घा घाट में गंदगी का अंबार था जिसकी सफाई की गई। इसके साथ ही मेट्रोस गली घाट, अर्घा घाट, दीनदयाल घाट, अर्ध नंदेश्वर घाट सहित दर्जनों घाटों की सफाई की गई। आज के इस सफाई अभियान में अमित कुमार सिन्हा, जोंटी शर्मा, शिव कुमार, अन्य निशु, विनोद राम, रंजय बर्दियार, सुमित कुमार और मजहर अंसारी ने भी अहम भूमिका अदा की। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक अल्मुनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक अल्मुनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए अल्मुनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, पर्सिली, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक अल्मुनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड सीहोड़ी गिरिडीह।